Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th English Worksheet number 11, date 31st of July 2021. Good morning students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Given below is a short poem. Read the poem and answer the questions that follow. Is poem ko padhiye. और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स दीजिए. इन जस्ट वन ईयर दैट हैज़ पास्ड सो मच जॉय वी हैव अमेस्ड. इन जस्ट वन ईयर दैट वेंट बाय यू वन आर हार्ट्स फ्लूटिंग बाय. इन जस्ट वन ईयर दैट हैज़ फ्लोन आवर फॉन्डनेस फॉर यू हैज़ ग्रोन. A fantastic year it has been. So much happiness we have seen. All because of you, my dear baby. You deserve the best birthday party. Happy first birthday. तो ये एक पेरेंट्स की तरफ से एक बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पर अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बताई गई हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें इस पिछले साल में इतनी खुशी मिली है कि पहले कभी भी नहीं मिली. तो देखिए अब इसके क्वेश्चंस. What do you think the poem is about? Poem किस बारे में है? कि बच्चों पेरेंट्स की खुशी के बारे में है कि उनके बच्चे का पहला बर्थडे है. The poem is about the joy of parents on the first birthday of their child. Right? Second question. Describe the past one year as shown by the poet. Two things हमें लिखनी है कि पिछले एक साल में क्या क्या हुआ. The past one year has been फुल ऑफ जॉय फॉर द पेरेंट्स. पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी का साल था. द चाइल्ड हैज़ वन एवरी वन हार्ट इन द फैमिली. क्योंकि बच्चे ने फैमिली में हर एक व्यक्ति का दिल जीत लिया. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अमेस्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. अमेस्ड का मतलब होता है कलेक्टेड, इकट्ठा करना. द बेबी हैज़ स्टार्टेड डूइंग मैनी थिंग्स इन द पास्ट वन ईयर. List a few things in the space. In the last one year, the baby has started saying a few words. Baby ने कुछ कुछ words कहने शुरू किए. It has also started. उसने क्या क्या और शुरू किया? Sit, बैठना, crawl, रेंगना और play. Crawl होता है ना घुटनों के बल जब बच्चा चलता है, और play मतलब खेल. Pick out the pairs of rhyming words in the poem. Past, amassed. By, by, flown, grown, and being seen. Rhyming words ऊपर poem में देखिए. जैसे आप यहाँ देखेंगे first line में है past, इसी के साथ amassed. तो ये past और amassed ये क्या है? Rhyming words हैं, right? इसके बाद by ऊपर है second third line में देखिए by, by. पाए और पाए ये राइमिंग वर्ड्स हैं. फ्लोन, ग्रोन ये राइमिंग वर्ड्स हैं, राइट? तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये राइमिंग वर्ड्स इसमें से ढूंढे. राइमिंग होता है जिनकी लय एक समान होती है, एक जैसी रिदम होती है, जिनकी उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. नेक्स्ट, गिव ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. फ्लाई, फ्लाई की तीनों फॉर्म्स लिखनी है आपको. फ्लाई उड़ना, फ्लू उड़ा, फ्लोन. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. Give a suitable title to the poem. इस poem को हम कौन सा title दे सकते हैं? Happy first birthday. अब जिस तरह से आपने ये छोटी सी poem पढ़ी, आपके लिए एक suggested या optional task है कि आप अपने grand parents के birthday पर एक किसी तरह की छोटी सी poem लिखिए. तो आप सब बच्चे कोशिश करेंगे ये poem लिखने की. अब आपके लिए एक cap message है. Keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. 6 feet or 2 yards का physical distance बनाए रखें. I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a nice day.